कटनी में वायर फेंसिंग के तार में फंसे हुए तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया गया है। तेंदुआ गुरुवार रात से फंसा हुआ था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चलाया था। वहीं 24 घंटे बाद ही तेंदुए को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। कटनी से गुरुवार को कनवारा ग्राम पौड़ी मोहारी के जंगलों में तेंदुए के वायर फेंसिंग में फंसे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। तेंदुए के फेंसिंग में फंसे रहने की सूचना जैसे ही वन विभाग को मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और तेंदुए को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और करीब 24 घंटे बाद तेंदुए को बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद तेंदुए को वन विभाग से आई रेस्क्यू की गाड़ी में बांधवगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया है। कटनी DFO ने बताया कि तेंदुआ सुरक्षित है, सिर्फ हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिसका इलाज कर तेंदुए को उमरिया बांधवगढ़ के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। हमें करीबन इसको रेस्क्यू करने में करीबन एक घंटा लग गया है, क्योंकि पहला डार्ट लगाने में समस्या हो रही थी, क्योंकि उसका जो मुंह था वो हमको फेस कर रहा था। तो पहला डार्ट जो लगाया था वो फेल हो गया था इस कारण से। फिर हमने दोबारा थोड़ा गाड़ी का डायरेक्शन चेंज करके फिर दोबारा डार्ट लगाया। करीबन 10 मिनट बाद में उसको बेहोशी आई। अभी उसका रेस्क्यू कर लिया गया है और उसको जंगल में छोड़ा जा रहा है। फंसे होने की सूचना हमको 9:30 बजे प्राप्त हो गई थी। 9:30 बजे हमारे द्वारा बांधवगढ़ टीम को बोल भी दिया गया था, क्योंकि हमारे पास ये सुविधा नहीं है इसको रेस्क्यू करने की। बांधवगढ़ की टीम को सारी चीज़ों को आप देख ही रहे हैं, कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको कलेक्ट करके। फिर यहाँ से आने में करीबन 1.5-2 घंटे लग गए थे, तो उस वजह से थोड़ा विलंब हो जाता है, क्योंकि कई सारी चीज़ों को उनको रिसोर्सेज को आप देख रहे हैं, कितने लोगों को लेके आए हैं, 2-2 गाड़ियाँ लेके आए हैं, इतनी सारी दवाइयाँ लेके आनी होती हैं, तो उस वजह से समस्या थी। पर उसका छाती पे वायर था, तो उसमें कोई ऐसी जानलेवा समस्या उसको नहीं थी और उसको हम अभी थोड़ी देर में जंगल में रिवाइव करके छोड़ देंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।